नमस्कार, पत्रिका के लिए सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी। हमारे साथ सहारनपुर के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, हम उनसे बात करेंगे। सहारनपुर में जो गंगोह में उपचुनाव होना है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर आने वाले हैं और अभी तक जो हालात हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और भाजपा किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में मतदाताओं के बीच जा रही है। मंत्री जी, आपका स्वागत है। जो उपचुनाव गंगोह में हो रहा है, किस आपको लगता है कि मुद्दों पर जो पार्टी है मतदाताओं के बीच जा रही है और जो चुनाव में मतदाताओं का जो रुख है अभी भी, आपको क्या लगता है कि क्या लोग वहाँ विकास की बातों पर, मुद्दों पर या दूसरे जातिगत आधार पर किस तरह से वोटिंग वहाँ होने वाली है? और अभी तक जो आप घूमे हैं, आपको क्या लग रहा है किस ओर ये चुनाव जा रहा है? देखिए, चुनाव तो का मुद्दा तो विकास ही है और अल्टीमेटली चुनाव के परिणामों से लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे हो सके और उनको सुविधाएं कैसे बढ़े, यही आम जनता चाहती है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, केंद्र के मोदी जी की सरकार ने, दोनों ने मिल करके ग्रामीण जीवन के बेहतरी के लिए जो काम किए हैं उसका सीधा असर जनता के ऊपर है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, किन मुद्दों को लेके चुनाव में पार्टी जा रही है? देखिए, मुद्दा तो मैंने बताया ही आपको कि सुशासन है और विकास है। हम लोगों ने उस दृष्टि से काम किया है और हमारी योजनाओं का लाभ, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 200, 250, 300 लोगों को उसका लाभ न मिला हो। तो मतदाता तो उनसे लाभान्वित है और इसलिए उसको, जिसने उसके ज़िंदगी के भीतर बेहतरी लाई है, वो कोशिश करेगा कि उसको और अच्छी सुविधाएं उससे मिल सकें और उस लिए प्राथमिकता तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। दूसरा चुनाव का मुद्दा है कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई हालात थे, 2.5 साल के भीतर वो कानून व्यवस्था के भीतर जो है वो सुनिश्चितता लाई गई है और आम आदमी का जान माल का जीवन सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में अब सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, कहीं पलायन हो रहे थे, कहीं दंगा हो रहा था, तो आज उस स्थिति में हमने नियंत्रण स्थापित किया है और बेहतर स्थिति में है, इसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। सुशासन, विकास और कानून व्यवस्था आपने मुद्दे बताए हैं, उन्हीं के बल पर पार्टी इस चुनाव को जीतने के दोबारा से प्रयास कर रही है। आपकी सीट है भाजपा, वहाँ से प्रदीप चौधरी सांसद चुन लिए गए, उसके बाद खाली हुई है। अभी भी जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी जो चुनावी प्रचार उनके चल रहे हैं, वहाँ वो भाजपा को हराने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार भी जब सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं तो तब भी क्या दूसरे जो दल हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जो भाजपा को हराने की बात करते हैं? मुद्दा तो उनके पास कोई नहीं है। यदि मुद्दा उनके पास होता तो चुनाव के पश्चात जो आम चुनाव हुए हैं ये गठबंधन क्यों टूट जाता? ये तो स्वार्थों का गठबंधन था। उन्हें ये लगा कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते, उन्होंने इकट्ठा होकर के लड़े। इकट्ठा होकर लड़ने के बावजूद भी वो हमें परास्त नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी अब प्रचंड बहुमत के साथ जीती और इस कैराना लोकसभा के भीतर भी जीती। गंगोह में 1,33,000 से ज़्यादा वोट हमको आकर के मिले जबकि उनके दोनों के संयुक्त कैंडिडेट थे। तो हमारा जीत का अंतराल भी बढ़ा है और हमारा काम भी आगे की ओर बढ़ा है। हमारी पैठ भी जो है वो समाज के सभी हिस्सों के भीतर सामाजिक तौर तरीकों पर पहुंची है, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को आने ही वाला है। जी, कानून व्यवस्था की आपने बात की, हाल ही में सहारनपुर में 2 भाजपा नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अभी तक पता नहीं चला हथियारों का, क्या इस कहेंगे आप? देखिए, उस 2 घटनाएं देवबंद में हुई हैं और उन दोनों ही घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है और जल्दी ही ऐसे लोग आएंगे। उसमें ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को नामजदगी पहली घटना में की गई वो सही थे या नहीं थे, लेकिन उसके बारे में पुलिस विवेचना कर रही है और निष्कर्ष पर आएंगे। हम किसी भी अपराधी को छोड़ने नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं चुनाव से पहले, क्या तैयारियां हैं उनकी? देखिए, चुनाव के दृष्टि से हमारे सभी बूथों पर बूथ समितियां बन गई, हमारे सभी बूथों के सम्मेलन भी संपन्न हो चुके हैं। हम लोगों ने जो है वो अभी युवा सम्मेलन को भी पूरा किया हुआ है, किसान सम्मेलन भी हमारा हो चुका है,
जो है महिला सम्मेलन किया है, समाज के सभी वर्गों के लोगों को हम मोबिलाइज किए जाने की दृष्टि से इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किए हैं। अभी दो दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी आए और एक बहुत सफल युवा सम्मेलन वहाँ पर हुआ जिसमें युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी, तो वो सब इसी गंगोह विधानसभा क्षेत्र के थे। इसी तरीके से अब हम लोगों ने 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी का की सभा रखी है और वो सभा भी ऐतिहासिक होगी और उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दिया है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत विशाल चुनावी सभा के रूप में मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने 2.5 साल के भीतर जो काम किए हैं सीधा एक असर जनता के ऊपर है और ईमानदारी पूर्वक समाज की जनता की सेवा करके ऋण मोचन के माध्यम से इसी सहारनपुर जनपद के 1 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्ज हम लोगों ने माफ़ किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर 3 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में हमने पैसे भेजने में हम सफल हुए हैं। बाकी जो प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय का है, बिजली की जो जर्जर व्यवस्था सहारनपुर की थी उसको ठीक किया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 16 घंटे की बिजली आपूर्ति हम दे रहे हैं। फूके हुए ट्रांसफार्मरों को हम लोगों ने तत्परता के साथ बदला है। किसानों के उपज की हमने सही समय पर उसका खरीदारी करके व्यापक पैमाने पर भुगतान भी किया है। गन्ना मूल्य का जो 3-4 सालों का बकाया है जब चला रहा था उसको भी भुगतान कर चुके हैं। इस सत्र का थोड़ा सा पैसा बाकी है जिसको नवंबर के पहले हम उसका भुगतान कर देने वाले हैं। तो इस तरीके से जो हमने आम आदमी के जीवन के ऊपर असर डालने वाले इन कार्यक्रमों का जिससे उसको कठिनाइयाँ थी समाधान करने की दृष्टि से जो हमने प्रयास किया है उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलने वाला है और मुख्यमंत्री जी उसी का जो प्रभावी संबोधन होगा उसका भी प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनको विधानसभा जीतेगी।